Good morning, students. Today we are doing the topic that is women and sports. Women and sports, what does it mean? Participation of women's in the sports or in other field. ठीक है बेटा, अगर हम शुरू से देखें तो women's की participations जो हैं वो बहुत late हर चीज में हुई है. और एंशियंट टाइम में अगर हमने ओलंपिक का जैसे पढ़ा था बेटे, तो उसमें था कि जो वुमेन्स हैं दे वर नॉट परमिसेबल टू इवन सी द इवेंट्स. ठीक है ना, उनमें सिर्फ जेंट्स थे वो ही वहां पर पार्टिसिपेट करते थे एंड दे ओनली परफॉर्म. ठीक है ना, वो ही परफॉर्म करते थे या पार्टिसिपेट करते थे और वही फिर रिजल्ट लाते थे. लेडीज को स्टार्टिंग से ही, क्योंकि एज वी ऑल नो दैट अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी वी कॉल बट नॉट नाउ, तो यही दिमाग में या एक माइंड में हर एक का था कि द लेडीज आर ओनली फॉर डूइंग द डेली चोर्स ऑफ द लाइफ. घर के काम के लिए ही लेडीज जो हैं वो फिट हैं, या जो लेडीज हैं वो घर के काम काज के लिए है और बाहर के जो काम है वो सिर्फ मैन या आदमी लोग करेंगे. ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड जो है वो चेंज होता है, लोगों में अवेयरनेस आई, उन्होंने इक्वालिटी देनी शुरू कर दी लेडीज को भी. दे स्टार्टेड गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द लेडीज आल्सो इन ऑल द फील्ड्स. ऑफिस जाने लगे, पार्टिसिपेशन इन गेम्स होने लगे इनकी. ठीक है ना बेटा, इससे क्या था हमारे यहाँ इन नॉट ओनली इन इंडिया इन द वर्ल्ड. ठीक है, क्योंकि कुछ समय पहले जो सेमिनार अटेंड किया था उसमें भी यही था कि विमेन्स का हर जगह पर जो है एज कम्पेयर टू मेन जो है वो लो रेंज ही रखा गया कि नहीं, दे विल नॉट डू दिस और दे विल नॉट डू दैट. लेकिन धीरे धीरे एरा जो है वो चेंज होता गया और 19th century के साथ साथ लेडीज का भी पार्टिसिपेशन जो है वो गेम्स में, स्पोर्ट्स में, डिफरेंट जॉब्स में या हर जगह पर जो है वो होना शुरू हो गया. लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर क्या मेन है कि बेटा इनका पार्टिसिपेशन जो है वो हर जगह पर लेस हुआ है, स्पोर्ट्स में भी खासकर बहुत ही कम हुआ है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ठीक है, सबसे पहले तो पेरेंट्स का रोल जो है वो बहुत बड़ा है. कई बार हमारे पेरेंट्स को लगता है कि गर्ल्स के लिए इन्वेस्टमेंट जो है रिगार्डिंग दिस इज नॉट वर्थ. ठीक है ना, नाम सोचा जाता है लड़कों को चलो खेलने के लिए भेज देंगे, इसमें कोई जॉब का तो है नहीं है, बाहर जाना पड़ेगा, कोचिस से सीखना पड़ेगा, कोचिस पता नहीं अगर जेंट्स हुए तो कैसा होगा. इनसिक्योरिटी जिसको फाइनेंशियली, जॉब वाइज, इंटरेस्ट वाइज एंड फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ऑल्सो इम्पैक्ट आते हैं एज कम्पेयर टू द मैन. ठीक है, इन चीजों का आम है एंड दीज आर द रीजंस व्हाई द लेस पार्टिसिपेशन जो है वो विमेन्स की स्पोर्ट्स में रही है. लेकिन अब वो चीज नहीं है. अगर हमने इसका थोड़ा सा एग्जांपल लेना हो, वैसे तो नॉर्मली जितनी भी मूवीज आई हैं उसमें क्या रहा है जो खेल से रिलेटेड, या हमने चक दे इंडिया में देखा था कि विमेन्स की स्पोर्ट्स को किस तरीके से बढ़ाने के लिए कोच ने मेहनत की, लेकिन जो अथॉरिटीज थी या एडमिनिस्ट्रेशन थे वो इतने ज्यादा विलिंग नहीं थे. ठीक है, दे वर जस्ट मेकिंग अ फन ऑफ दैट, बट दे लेटर ऑन दे रियलाइज दैट दे गॉट अ मेडल इन सिडनी 2002 ये लेडीज क्वीन. ठीक है ना बेटा, या अब का हम रोल दे रिसेंटली जो है उसमें, ठीक है जो नाम है नो डाउट मेडल नहीं मिला लेकिन परफॉर्मेंस जो है दैट वाज प्रेज्ड बाय एवरीवन. विमेन्स की या रिले रेस में गोल्ड मेडल आना या क्रिकेट में, अब हर फील्ड में जो गर्ल्स हैं गेम्स के हर फील्ड में आपको गर्ल्स मिलेंगे. और आपने वो अभी रिसेंटली देखा है गोल्फ में भी, ठीक है गोल्फ में था या रेसेस में था या वेट लिफ्टिंग में है या बॉक्सिंग में है, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर लेडीज जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही. इनकी पार्टिसिपेशन जो है बेटा वो हर जगह पर
आ रही है, ठीक है ना। ये एक मेजर पॉइंट है, ठीक है बच्चे, दिस इज अ मेजर पॉइंट रिगार्डिंग दिस। नहीं दिख रहा, दिख रहा है बच्चे, ठीक है। ये मेजर पॉइंट्स हैं जो विमेन्स की पार्टिसिपेशन जो है वो आजकल अच्छी तरीके से हो रही है, या लोग इस तरफ इंक्लाइन हो गए हैं, या उन्हें इस चीज का आ गया है। अब इसका बेनिफिट क्या है, या सोशियोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली वुमेन्स एथलीट का क्या है? पहले तो है पार्टिसिपेशन से उनमें कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हुआ, काम करने का या पार्टिसिपेशन करने का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल एड्स जो है वो कई कंपनीज, कई जो ऑर्गेनाइजेशंस है, दे आर हेल्पिंग कि जो अच्छे प्लेयर्स है, वेदर दे आर अ बॉय और अ गर्ल, और उससे भी ज्यादा बेटर है जो खेलो इंडिया प्रोग्राम शुरू हुआ है, टू सर्च द टैलेंट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। पहले भी था, ठीक है, लेकिन ऐसा गेम्स खेलती थी गर्ल्स, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें या उनके टैलेंट को शो करने का कोई रोल था, लेकिन अब ऐसी चीजें नहीं है। उसके बाद जॉब और करियर है, आपने देखा होगा कि कोचेस जो हैं जो लड़कियों को सिखाने, ये जरूरी नहीं है, नॉट कंपल्सरी कि गर्ल्स को गर्ल्स ही सिखाएंगे, लेकिन आजकल कोचेस जो हैं उसमें, ट्रेनर्स जो है उसमें, ऑफिस में जो है एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्थ रिलेटेड हैं ये सारे, या थेरेपिस्ट है, जैसे हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि जो डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए जो थेरेपिस्ट वगैरह, फिजियोथेरेपिस्ट हैं या स्पीच थेरेपिस्ट हैं या कुछ भी, या प्रोफेशंस जो हैं वो भी फॉलोड हो रहे हैं दोनों के द्वारा, बॉयज और गर्ल्स के द्वारा। ये क्या है, ये नॉर्मल हमारी जो है जॉब और करियर की तरफ एक अच्छी इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद है बेटे इसमें नॉर्मल जो आता है वो है इक्वालिटी इन सोसाइटी। अब ये नहीं कहा जाता है कि नहीं गर्ल है तो ये काम नहीं करेगी, वॉट एवर अ गर्ल्स। रिसेंटली हमने न्यूज सुनी थी ना कि अब एनडीए में गर्ल्स भी जो है वो एग्जाम्स दे सकती हैं, नहीं तो आर्मी में पहले इस तरीके से कभी नहीं हुआ था। नो डाउट पायलट्स कुछ गर्ल्स थी पीछे कुछ समय से, लेकिन फिर भी एनडीए में पेपर देना या थ्रू प्रॉपर चैनल इस तरीके से उन्हें नहीं किया जाता था। गवर्नमेंट पॉलिसीज बनी है स्पेशल गर्ल्स की स्पोर्ट्स, ठीक है ना, गर्ल्स की स्पोर्ट्समैन पार्टिसिपेशन के लिए। उसके बाद उनके पेरेंट्स के द्वारा मोटिवेशन, पहले हम कभी नहीं ये महसूस करते थे या देखते थे कि पेरेंट्स गर्ल्स को इतना ज्यादा एनकरेज करें कि नहीं बेटा आपने खेलना है, बट नाउ मैक्सिमम नॉट इन इंडिया इन अदर कंट्रीज ऑल्सो कि पेरेंट्स जिस गेम में या जिस तरफ भी बच्चा इंटरेस्टेड है उसे उस तरफ ले जाने में या उसकी हेल्प करने में या उसको एनकरेज करने में या उसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में कहीं पर भी वो पीछे नहीं रहते हैं। इंस्टीट्यूट्स जो है वहां पर भी कोहेड में तो चलो है, अदरवाइज भी गर्ल्स की गेम्स वगैरह या उनके कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो है वो करवाए जाते हैं, और यही कारण है कि सेफ प्ले है, उनकी सिक्योरिटी का काम जो है, सिक्योरिटी जो है वो पूरी रखी जाती है, या उनकी डाइट का। आम होता था कि पहले नहीं नहीं गर्ल्स को क्या, बॉयज को ही डाइट की जरूरत है, बट नाउ दिस इज नॉट देयर। हर एक के लिए प्रॉपर, अगर कोई प्लेयर है तो उसके लिए उसकी जो रेकमेंडेड डाइट है वो उसे मिलती है। ये क्या है, ये पॉजिटिव है टूवर्ड्स द वुमेन्स, ठीक है, लेकिन कुछ कारण हैं जो लेडीज में प्रॉब्लम्स, या हम कह सकते हैं उनकी जो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है एज कंपेयर टू बॉयज। इसलिए यहाँ पर क्या है, इक्वालिटी जो है वहां पर डिफरेंस है। इक्वालिटी का मतलब होता है बेटा इक्वल चीजें प्रोवाइड करना, नो डाउट फैसिलिटी हर चीज जो है वो इक्वल प्रोवाइड की जाती है, लेकिन रीजन क्या है कि हम कंपैरिजन जो है वो बॉयज का गर्ल्स के साथ नहीं करते, गर्ल्स का गर्ल्स के साथ ही होगा और बॉयज का, उसका रीजन क्या है, क्योंकि प्रोविजन देनी अलग है, लेकिन वेयर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल, मसल्स का डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस है, बॉडी फॉर्मेशन का डिफरेंस है, प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय द गर्ल्स और द वीमेन्स एज कंपेयर टू द
मेन अलग अलग है, तो फीमेल्स के जो ट्राइड है ठीक है वो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेल जो है वो फेस नहीं करते हैं, दैट इज रिगार्डिंग द मेंसुरेशन है, मेंसुरेशंस है, एमेनोर है, मीनोपॉज है, ऑस्टियो की प्रॉब्लम है, जो ज्यादा आप सुनते हो कि 23 या 30 या 35 के बाद लेडीज को कैल्शियम लेना चाहिए, या उनकी बॉडी सिस्टम इस तरीके से इट इज गॉड गिफ्टेड, ठीक है ना, इसमें हम किसी को ये नहीं कहेंगे, दिस इज गॉड गिफ्टेड, कि जो प्रॉब्लम्स या बेरिंग है वो फीमेल में कंपैरेटिवली ज्यादा होने के कारण उन्हें कई चीजों का ऐसों का क्या करना पड़ता है, उन्हें फेस करनी पड़ती है, और जिसके कारण उन्हें क्या होता है गेम्स में या कहीं ना कहीं उन्हें इस चीजों का पे करना पड़ता है, ठीक है ना बेटा, ये नॉर्मली गर्ल्स का ये प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद है एमरो नर्वस डिसऑर्डर्स हैं खाने के, जो आजकल हमारे ट्रेंड चला है कि पतले होना है पतले होना है पतले होना है, व्हेन यू ईट एंड कंज्यूम और एक्सपेंड डिचर जो है आपका वो स्ट्रांग होगा तो तुम्हारी बॉडी फिट रहेगी, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम बिल्कुल जीरो फिगर करें, इसलिए हमारे में नॉर्मली गर्ल्स में या बॉयज में क्या है, मैंने कैलोरीज इतनी वाला खाना नहीं खाना, मैंने ये नहीं खाना, इसमें फैट्स ज्यादा है, इसमें ये ज्यादा है, इसमें वो ज्यादा है, और ये क्या दे रही है हमारी बॉडी को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर क्रिएटिंग। अगर हम खाना प्रॉपर नहीं खाएंगे बेटा, जितनी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की है, तो ये क्या करेगा हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिसऑर्डर ही पैदा करेगा, इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो वीक हो जाएगा, वी आर नॉट एबल टू फाइट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस और प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ हम नहीं कर सकते, हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होगी कि हम काम प्रॉपरली कर सकें, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। और आमतौर पर देखा गया है कि आजकल क्या करते हैं बच्चे जो हैं, जितने भी हमने पतले होना है, हमने इस तरीके से करना है, और उनमें नॉर्मली क्या देखा जाता है बेटे, कि वो खाने को कई बच्चों में होता है कि ऐसे करते हैं हम खा लेते हैं और उसके इमीडिएट बाद लुमिया नवसा, ठीक है ना, एनोरेक्सिया, ये क्या है, खाना खाया और आर्टिफिशियल फॉर्म से वॉमिट आउट कर दिया, माइंड की और पेट की एक माइंड सेटअप हो गया कि मैंने खाना खाया और उसके इमीडिएट बाद इन्हें लगता है कि हम जब इसे आउट कर देंगे तो ये क्या रहेगा, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और ना ही हम मोटे होंगे, बट दीज ऑल आर मिथ। रख जाओ कॉपी रख जाओ, हाँ बुक का लेसन याद करना है, वाइवा के लिए लेसन याद करना है, कहीं अपने जो जो गेम तुमने लिखी उसके बारे में पता होना चाहिए, जो गेम बाकी नहीं। अब नॉर्मली जो है बैलेंस डाइट किस लिए है, बैलेंस डाइट जो है बेटा उसमें ऑल कंटेंट्स आते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, हमारी हड्डियों की डेवलपमेंट में, हमारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन की वर्किंग में और हमारे काम जो है अलग अलग तरीके से काम आते हैं, लेकिन जब हम बैलेंस डाइट ही नहीं खाएंगे, जब हम इन चीज सब चीज़ों पर रोक लगा देंगे तो हमारी ग्रोथ पर या डेवलपमेंट पर भी रोक लग जाएगी, फिजिकली भी और मेंटली भी, जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के लिए अगर हम वो चीजें जो हैं उन्हें यूज नहीं करेंगे या उनका प्रयोग सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसलिए हमारा प्रॉपर डाइट लेना, न्यूट्रिएंट्स लेने, केमिकल्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं और हमारी बॉडी में हेल्पफुल होते हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इनका होना बहुत ही जरूरी है, और ये एक स्पोर्ट्स पर्सन सबके लिए वैसे तो जरूरी है, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए
जिसे मैक्सिमम डाइट और प्रॉपर डाइट चाहिए टू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस गुड आउटपुट, ठीक है ना, उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें होनी हमारे लिए बहुत है। विमेंस का स्पोर्ट्स में रोल यही है कि अब समा बदल गया है और लेडीज को भी जो है चांसेस इक्वालिटी देने लगे हैं, और इवन ओलंपिक जितनी इंटरनेशनल गेम्स हैं, नेशनल गेम्स हैं, हर एक में गर्ल्स जो है वो भी पार्टिसिपेट करने लग गए हैं स्पोर्ट्स में। ठीक है बेटा, दिस वॉज रिगार्डिंग द हमने जो लेसन है हमारा विमेन एंड स्पोर्ट्स, इसके बारे में हमने किया है। अब ये साथ के साथ हम चलते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है ना, जो हम कह सकते हैं कि हमारा एक चैप्टर है कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए या क्या होना चाहिए, ठीक है ना। वो लेसन का नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशंस, इसीलिए इसके साथ मैंने कोरिलेट कर दिया है, क्योंकि जब तक हम प्रॉपरली खाएंगे नहीं तब तक हम कोई भी आउटपुट नहीं दे सकते। पर इन सब चीजों से आगे एक चीज है जो कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे, आपने आराम से सुने और डेली लाइफ में सुनते हैं, बैलेंस डाइट सुनते हैं, न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिटिव। लेकिन अगर मैं डेफिनेशन पूछूं या किसी से पूछूं तो आई डोंट थिंक कि यू विल गिव मी द प्रॉपर आंसर। आप में से कोई देगा बेटे कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट? हाँ आप बताइए, न्यूट्रिएंट्स क्या होगा? हमारी डाइट जो है, यानी कि हमारा भोजन जो है, ठीक है ना बेटा, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के या वेरियस टाइप्स के जो है एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को सही तरीके में रखने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट ऐड देखते हो ना, ऐड हर तरीके की देखोगे, बूस्ट चाहिए है, हॉर्लिक्स चाहिए है, ये चाहिए वो चाहिए है, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स होती क्या चीज है? व्हाट्स दैट? न्यूट्रिएंट्स है एसेंशियल केमिकल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। और क्यों रिक्वायर्ड है वो आपको पता है? हर एक चीज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमारे वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। अब ये है कि जो बैलेंस डाइट है वो क्यों जरूरी है, उस पर मैंने अभी बताया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, अलग अलग प्रकार के आप विटामिन पढ़ते हैं ना, हमारी आंखों के लिए, हमारे विभिन्न अलग अलग प्रकार के बॉडी पार्ट्स जो हैं उनके लिए हेल्पफुल हैं, हमें दे आर द सेवियर, हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, ताकि जो फॉरेन बॉडी यानी कि बाहर से आने वाली कोई भी जो चीज है उसे हम आसानी से उससे फाइट कर सके। इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं? ये है बैलेंस डाइट के फायदे। बैलेंस डाइट हमें क्या देती है? ये चीजें देती हैं और इसे हम कहते हैं। अब बैलेंस डाइट में होता क्या क्या है? प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, ठीक है, कुछ है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कुछ है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है इन अ लार्ज क्वांटिटी, रिक्वायर्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी। वेयर एज माइक्रो दे आर नेसेसरी बट दे आर इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी यू कैन से, और इन अ वेरी लेस क्वांटिटी इनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन इनकी हमारे शरीर में जरूरत है, बहुत ज्यादा है, जरूरत है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत जरूरी है ये चीजें, ठीक है ना, हम इन चीजों के बारे में। अब विटामिन जो हैं वो क्या होते हैं? दे कम्स इन मिनरल्स, विटामिन वगैरह, ये सारे किसमें आते हैं? माइक्रो में आते हैं। लेकिन आपको पता है अगर हम विटामिन ए की कमी होती है तो हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन बी की है, बेरीबेरी है, विटामिन सी की कमी है, इसको इसको स्कर्वी की है, विटामिन डी की है, रैकेट्स की है, ठीक है ना, हमें इन चीजों का, कैल्शियम हमारी बॉडी को चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, ये सारी चीजें हमारी शरीर के लिए
बहुत जरूरी है, लेकिन इनकी मात्रा जो है, इनकी क्वांटिटी जो है वो लेस होनी चाहिए। ओवरलोडिंग इन चीजों की नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मिनरल्स हैं, उनमें भी कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो मैक्रो क्वांटिटी में चाहिए, कुछ माइक्रो क्वांटिटीज में चाहिए, ठीक है ना बेटा। ये हमारी नॉर्मल चीजें हैं। अब ये है कि कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। हम नॉर्मली पढ़ते तो हैं या हमने बचपन में पढ़े हैं, हरी सब्जियों में विटामिन ए होता है, इस पल्सिस में ये होता है, ठीक है। प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें मिलते हैं, फैट्स इससे मिल जाता है, ये सारी चीजें हमें खानी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे हैं, विटामिन बी है, जैसे विटामिन वन है, विटामिन टू है, विटामिन थ्री है, विटामिन फाइव है, सब बी, ये सारे बी में आते हैं। विटामिन बी की क्वालिटीज बता रही हूँ, वन है, टू है, थ्री है, फाइव है, ठीक है, या विटामिन के है। ये सारी चीजें क्या है, ये हमें बहुत जरूरी है हमारे शरीर की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना बेटा। अब ये है कि इनका हम पर क्या असर पड़ता है, डाइट का एक स्पोर्ट्स पर्सन पर क्या असर पड़ता है, या इनसे हमें क्या लाभ मिलते हैं, ठीक है ना बेटा। वेट कंट्रोल में, एप्रोप्रिएट वेट जो है, ठीक है ना, हेल्दी वेट जिसको बोलते हैं, जहां पर हम सही तरीके से सही मात्रा में भोजन करते हैं और सही फिजिकल एक्टिविटी करके अपनी बॉडी को प्रॉपर वे से मेंटेन करते हैं, उसे हम हेल्दी वेट के अंदर लाते हैं, ठीक है ना। अब वेट को कंट्रोल करने का हमें पता है कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करेंगे, ठीक है ना, कई बार क्या होता है फूड भी प्रॉपर कई बच्चे नहीं खाते हैं, और उसके कारण या तो वो अंडरवेट होते हैं, या वो ओवरवेट होते हैं, या वो ओबीस होते हैं। नॉर्मल कंडीशन रखने के लिए हमें डाइट, प्रॉपर डाइट लेनी और उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी करनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि वो रेकमेंडेड प्रॉपर डाइट जरूर खाए, तभी वो प्रॉपर रिजल्ट दे सकता है, ठीक है ना बच्चे। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हमें ये चीज को चेक करना बहुत जरूरी है। अब है कि अगर बॉडी का वेट बढ़ जाए तो उसे कंट्रोल भी कैसे कर सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल द बॉडी वेट। जिस तरीके से वो बढ़ रहा है वो तरीकों को कट कर दें तो हमारा वेट अपने आप चला जाएगा। इसमें आता है हमारा नो डाउट कि प्रॉब्लम्स हेरिडिटी भी होती है इसमें, थ्रू जीन्स भी है, लेकिन उसे हम मान के बैठे नहीं रह सकते। हमें फिजिकल एक्टिविटीज करनी बहुत जरूरी है। सबसे पहला हमारा लाइफस्टाइल जो है वो मैटर करता है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है उस पर ही हमारी सारी चीजें मैक्सिमम डिपेंड करती हैं। अगर हम पुराने जमाने के लोगों को देखेंगे तो उनका लाइफस्टाइल क्या था, सबसे पहले तो उनका सुबह उठना, सैर पर जाना, अपने हर काम को स्वयं करना, दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, ठीक है। लेडीज के द्वारा कितने काम होते थे, घर के जितने भी काम, देर वर नो मेड्स एंड मोर ओवर देर वर नो एलेक्सा जो आजकल चल गया है, हमारा ये भी काम हो जाएगा, हमारा वो भी काम हो जाएगा। मशीन के द्वारा रोबोट्स जो हैं वो मैक्सिमम काम करने लगे, और उससे भी ज्यादा है जो मशीनें आई हैं, मिक्सी है, वॉशिंग है, डिश वॉशर्स हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हम क्या है, लथार्जिक होना शुरू हो गए हैं, या हमारा जो वे है वो बहुत ज्यादा लेजी हो गया, जबकि ये काम पहले नहीं होता था। पहले घर के सारे काम जो हैं, घर की सफाई से लेकर खाने से लेकर कपड़े से लेकर हर चीजें जो हैं, और यहाँ तक कि ये चीजें तो जब टैप आ गई तो लेडीज ने फील किया कि दिस इज वेरी इजी, बट बिफोर दैट जब चूल्हा भी चलाया जाता था और पानी भी कुओं से लाया जाता था और उसके बाद सब चीजों का यूज किया जाता था, तो वो क्या था, वो उससे भी ज्यादा हार्डशिप थी। धीरे धीरे डिस्कवरी इन्वेंशन होती गई और हर चीज
जरूरत भी होती है, उसके साथ साथ बदलती रहती हैं। और धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, घरों में टैप्स आ गए तो सबको लगा अरे ये तो इजी हो गया, अब हमें बाहर जाकर पानी भर के लाना या ये नहीं करना पड़ेगा। स्टोव्स होते थे, उसके बाद गैस आ गई, इंडक्शन से अब धुआं होता था चूल्हे जलाने पे, सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होती गई। और उसके साथ क्या हुआ, हमने कहा हमारी जिंदगी सुधर गई है लेकिन हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बदल गया है। और आजकल ये जो पेंडेमिक टाइम आया है इसने हमारी सारी चीजों को खत्म कर दिया है या कंपैक्ट करके एक छोटी सी डिबिया जिसे हम मोबाइल, आईपैड, टैबलेट आदि कहते हैं, कंप्यूटर, उसमें ही सिमटाकर रख दिया है। हर चीज वहीं पर सिमट कर रह गया है, जिसके कारण हमारा मेंटल प्रेशर तो बढ़ गया है लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई हैं। अब क्या होता है, रोज जो है वो एड्स आने रिलेटेड टू फिजिकल फिटनेस, क्यों, अगर तंदुरुस्त शरीर होगा तो जो दिमाग है वो भी अच्छा होगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम ये काम ही नहीं करेंगे और थक कर स्ट्रेस लेवल को बढ़ाकर रखेंगे तो इट विल गिव अ बैड इम्पैक्ट टू आवर हेल्थ। उसने क्या करना है, उसने हमारे शरीर को या हमारी बॉडी को खराब भी करना है। तो हेल्दी के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें वो फूड खाना चाहिए जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, हमारी बॉडी के लिए सूटेबल हो, और फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, वी शुड बी कॉन्शियस, लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, हमें स्पाइसी फूड नहीं खाना, मेडिकल चेकअप, हमारा मेडिकल चेकअप जो है वो आम लोगों में हैबिट में नहीं है हमारे यहाँ पर, और ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि जो फूड आजकल हम खा रहे हैं दैट इज नॉट सो मच बेनिफिशियल फॉर अस। मिक्सिंग ऑफ एडल्ट्रेशन जो है वो बढ़ गई है, जिसके कारण हमें काफी चीजें ऐसी मिल रही हैं जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करती और जिसके कारण इनटॉलरेंस है, एलर्जिक है, ये चीजें बढ़ गई हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें अपने फूड की तरफ ध्यान देना चाहिए। और